अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 2 अगस्त 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट कब तक आने वाला है और परीक्षा की डेट सीट क्या होगी, पूरी अपडेट को देखेंगे। लेकिन इस समय की जो बड़ी खबर आ रही है, सीटेट का हमारा प्री एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और नकल करने वाले छात्र सावधान रहें। जी हाँ दोस्तों, नकल करने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। हुआ क्या है ना कि अगर आप लोग नकल किए सीटेट में, जी हाँ दोस्तों, होता क्या, जैसे द रिस्पॉन्स आंसर देखिए, जब आप लोग अपना प्री एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों नोट में पहला दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं, देखिए जैसे मान लेते पहले 10 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 ठीक है, इसको थोड़ा और हटाते हैं और आगे देखिए 7 8 9 10। अब मान लेते दोस्तों आपने पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ए विकल्प किया, दूसरा भी ए, तीसरा भी ए, चौथा बी, पांचवा बी, छठा बी, फिर सातवां ए, फिर डी, बी, डी, ठीक है। ये अगर आपने टिक कर दिया कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यही अगर आपके अगल बगल पड़ोसी वाला कोई बच्चा नकल करते हुए, उसने भी सेम कर दिया ए ए ए डबल ए फिर बी, जैसे जब नकल होती तो आप लोग यही बताते ना भैया ये वाला छापदार, ठीक है, सेम टू सेम कर दिया, तो इस कंडीशन में दोस्तों ये हो सकता है कि आपकी कॉपी को रिजेक्ट कर दिया जाए या कॉपी चेक ना हो। आप देखिए अगर ये 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट है, मतलब 10 में से आपको 10 नंबर मिल रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन केस मान लेते 10 में से ये चौथा पांचवा छठा ये तीनों क्वेश्चन गलत है, अब इसके भी वही गलत हो रहा है, तो मतलब यही है कि नकल हो रहा है, ठीक है, इसको समझिए। तो इस बार ऑफलाइन पेपर में भी कुछ नया दिमाग लगाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आती है कि यूपी कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, अब विधानमंडल में प्रस्ताव होगा पास, शिक्षा सेवा आयोग को ओके, ठीक है। खत्म होगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का अस्तित्व आएगा, ठीक है। ये बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रयागराज में ही होगा मुख्यालय, जी हाँ दोस्तों, इसका जो मुख्यालय बनेगा वो प्रयागराज में रखा जाएगा। मंगलवार को देख सकते हैं यूपी कैबिनेट ने नए आयोग के गठन को मंजूरी देने के साथ इसका मुख्यालय प्रयागराज में ही रखने को मंजूरी दी है। यह आयोग प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों, ठीक है, हेतु विश्वविद्यालय व संगठित कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती करेगा। इसके अलावा परीक्षा नियोजन प्राधिकारी की टीईटी, सुपर टेट, संस्कृत परिषद और मदरसा परिषद के टीचर्स भर्ती व बेसिक शिक्षा परिषद की भर्तियों की जिम्मेदारी उठाएगा। ये सब दोस्तों बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। शिक्षकों की भर्ती का रास्ता खुल जाएगा। तो आप देखिए साल के अंत तक एक हम बड़ी वैकेंसी का वेट कर सकते हैं, बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षक भर्ती के लिए अब एक आयोग रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर राज्य मंत्री परिषद ने मंगलवार को बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए एक ही आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कहा जाएगा। इसमें अध्यक्ष के साथ ही 12 सदस्य होंगे। आयोग का कार्यालय प्रयागराज में होगा। राज्य सरकार के इस फैसले से शिक्षकों की नियुक्ति में आने वाली कई विसंगतियां दूर होंगी और समय से भर्तियां की जा सकेंगी। इस आयोग के अध्यक्ष में आने के बाद से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं सभी शिक्षकों के चयन को होगा एक आयोग, मतलब हर न्यूज पेपर में ही अपडेट। शिक्षकों के 5,180 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हुआ। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। एडेड कॉलेजों में टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती होगी। दोनों भर्तियों के लिए पिछले साल लिए गए थे आवेदन, ठीक है। अगली खबर देखते हैं, यूपी पेट 2023 के लिए 30 अगस्त तक आवेदन चलेगा। तो जो भी दोस्तों अपडेट निकल कर आती है हर एक अपडेट पर आपकी नजर होनी चाहिए। संशोधन 6 सितंबर तक किया जा सकेगा। प्रत्येक गलत सवाल पर निगेटिव मार्किंग भी होगी, गलती करेंगे तो निगेटिव मार्किंग में आपके नंबर कटेंगे। ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा या पीईटी की तरफ से। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 1 अगस्त थी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ होने की तिथि 1 तारीख थी और लास्ट डेट जो है दोस्तों वो 30 अगस्त है, ठीक है, तो इसको भी जरा ध्यान रखेंगे। पीसीएस जे 2022 की मुख्य परीक्षा में 959 बच्चे सफल हुए, 959। तो हर एक अपडेट पर आपकी नजर होनी चाहिए कि कहां पर क्या चल रहा है। अब दोस्तों देखिए आपके मन में कुछ और सवाल होगा कि
यूपी डीएलएड में क्या होगा, जो बच्चे प्रत्यावेदन करेंगे या जिन बच्चों की बैक लग गई थी। देखिए जो भी अपडेट आती है, हर एक अपडेट पर आपकी नजर होनी चाहिए। 2023 में नौकरी पाने के लिए कितने नंबर चाहिए थे या फेल छात्रों की बड़ी खबर क्या होगी, युवाओं का प्रदर्शन आज हो रहा है, एक बात और आपको बता दें। ठीक है, तो देख सकते हैं पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, क्योंकि आप में से काफी बच्चे डीएलएड के भी आवेदन करते हैं। लास्ट ईयर आवेदन हुआ था, लाखों बच्चे आवेदन कर दिए थे, कितना ज्यादा दिक्कतें हुई थी, ट्रेन में भीड़, आप लोग को पता होगा। तो इस साल भी कुछ वैसा ही होने वाला है, फिर से फिट का एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, आपका सेंटर हो सकता है कि आपके यहाँ से दूर बन जाए, इसको जरा ध्यान में रखेंगे, उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे। ठीक है, तो जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं। तो देख सकते हैं कि पहले की प्रत्यावेदन छात्रों के साथ क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, काफी ऐसे बच्चे जिनकी किसी एक विषय में 3 बार बैक लग चुकी है। जब 3 बार आप किसी विषय में फेल हो जाते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट विकल्प होता है वो प्रत्यावेदन का होता है। बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तारीख में कोई बदलाव होगा, 24 अगस्त से पेपर है, 20 अगस्त को दोस्तों सीटेट का पेपर है, जिसका एडमिट कार्ड आ चुका है। अब देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि कुछ काम आपको कर देना चाहिए। अब जैसे जिन बच्चों ने सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया, क्यों नहीं किया, उनका सेंटर न्यू दिल्ली मिल रहा था। अब कुछ बच्चों अगर आपको इतनी दूर पहुंच जाएगा पेपर देने, उस वजह से एक तो उनका बिहार शिक्षक भर्ती से बाहर हुए, उसके बाद जब पेपर हमारा ऑफलाइन कर दिया गया तो सेंटर उनके सीधे जिले में आ गया। मतलब ऐसे ऐसे जिले को सेंटर बना दिया गया ऑफलाइन में, जिसमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जिसका नाम भी लिस्टेड था ऑनलाइन। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म करिए फल की इच्छा मत करिए, किस्मत बदल गई, मौका बन जाता है। काफी बच्चों ने गलती की, अब वो बच्चे पछता रहे कि काश हम भी आवेदन कर दी होती। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों गलती मत करिए, समय है। अब यार शिक्षक भर्ती का बहुत से बच्चों ने फॉर्म नहीं डाला, आज वो बच्चे पछता रहे कि सर हमको भी भर देना चाहिए था, जो होता देखा जाता है। एक बात आप लोग एक काम जरूर करा करिए, 1,70,000 पद थे झारखंड में, 26,000 पद हैं, और उसके बाद देखिए चंडीगढ़ में 290 कितने पद हैं। मतलब सोचिए जहाँ पर इतनी बड़ी वैकेंसी उसको अगर आप लोग छोड़ रहे हैं तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी। ठीक है, आपकी नौकरी लग जाती है मत करिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई और बच्चा रहेगा वेटिंग लिस्ट में, उसको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अब सीधे आप लोग आवेदन ही ना करें तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो नकल करने वाले छात्र फिलहाल सावधान रहे। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए dlrdigital.com वेबसाइट जानते हैं, कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे दिया जहाँ से आप लोग अपना सीटेट का जो ठीक है एडमिट कार्ड है, प्री एडमिट कार्ड, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डीएलएड का भी स्पूटनिक रिजल्ट आएगा, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का। सेकंड फोर्थ का कौन सा रिजल्ट आएगा, स्पूटनिक का। फर्स्ट और थर्ड का कौन सा रिजल्ट आएगा, सेमेस्टर रिजल्ट। तो हर एक रिजल्ट पर आपकी नजर होनी चाहिए। जल्दी दोस्तों डीएलएड की नई परीक्षा डेट शीट भी आने वाली है। ठीक है, जो भी दोस्तों अपडेट है हर एक अपडेट पर आपकी नजर होनी चाहिए। अब बहुत से बच्चे ये भी गलती करते हैं कि ध्यान ही नहीं देते, तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले आप लोग ध्यान दीजिए, कुछ भी छूटे ना आपसे, कोई बड़ी वैकेंसी आके आपके हाथ से निकल जाएगी, कितना पछतावा बाद में आपको होगा कि काश हम भी आवेदन कर दिए होते, काश हम भी ये कर दिए होते। तो ठीक है, इसको भी आप लोग जरा ध्यान रखें। आप दोस्तों एक और बात, वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, चाहे डीएलएड परीक्षा डेट शीट हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे सीटेट का प्री एडमिट कार्ड हो, यूपी टेट की अपडेट हो, चाहे डीएलएड और बीएड का दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने वाला हो वो खबर हो, हर एक खबर पर आपकी नजर होनी चाहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।